ना भूले। पूरे देवास जिले में भारत बंद का असर देखा गया। वहीं नगर कांटा फोड़ में एनआरसी और सीए के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सर्व समाज के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया। कानून और केंद्र सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। नेता मजीद टेलर ने संविधान का हवाला देते हुए काले कानून को गलत बताया। ज्ञापन देने काफ़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुँचे और अपनी सारी दुकानें बंद रखी। इस कानून के खिलाफ सब एकजुट दिखे। खाते गाँव से सादिक खान की रिपोर्ट। 43 जातियों के लिए संविधान में वो जगह रखा है कि आज 70 साल में भारत एक सुई नहीं बनाता था। जब हम गुलाम थे तो हमारे यहाँ एक सुई भी विदेश से आती थी और हमारे संविधान के नेतृत्व में भारत सरकार 70 साल में हम आज इस जगह तक पहुँचे हैं कि सारी चीज़ें भारत से बनकर के विदेशों में निर्यात हो रही है। भारत के वैज्ञानिक इतने मजबूत हैं और इतनी मतलब मेहनत की है कि आज इंटरनेट पे हमारी व्यवस्था मतलब सारे भारत को मतलब इंटरनेट बाबा साहब के संविधान के तहत ही आया है। तो मेरे दोस्तों, आज संविधान के साथ जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके विरोध में पूरे भारत में ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी कड़ी में कांटा फोड़ में भी हम मुस्लिम समाज खास करके सारे मतलब लोग ये चाहते हैं कि ये जो सीए एनआरसी उसको ख़त्म किया जाए। कल विश्व के जो है अमेरिका और लंदन सारी जगह मतलब इसका विरोध किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो कानून लाया गया है उसके हम खिलाफ हैं और हम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दे करके बताना चाहते हैं कि संविधान जो बनाया है वो सारे लोगों के लिए और अब ये कुछ लोगों के लिए संविधान को रखना चाहते हैं। एनआरसी 1970 से पहले कौन आदमी है इस भीड़ में बता दो कि हमारे पास प्रमाण पत्र हैं, बता दीजिए, जमीन का के मकान का के मतलब स्कूल का। 50 साल पहले हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। तो ये हमारे मताधिकार को ख़त्म करना चाहती है भारत सरकार, उसका हम विरोध कटु विरोध करते हैं और हम ज्ञापन देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।